नमस्कार दोस्तों, हिंदी वार्ता आपके लिए जो कहानी लाया है उसका शीर्षक है सोने का पिंजरा। एक शहर में कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। आसपास के गांव के लोग उसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आते थे। सेठ कभी कभी अपने ग्राहकों को उधार कपड़ा भी दे देता था, इसलिए आसपास के गांव में सेठ को उगाही करने जाना पड़ता था। एक बार सेठ गांव में उगाही करने गया, वहां लौटते समय एक पेड़ के नीचे वह आराम करने बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद उसे नींद आ गई। जब वह नींद से जागा तो उसने अपने आसपास चारों तरफ तोते ही तोते देखे। हरे रंग, लाल चोंच और गले पर काली पट्टी वाले तोते देखकर सेठ ने सोचा, कितने सुंदर हैं ये, एक दो तोते को साथ ले जाओ तो परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे। यह सोचकर सेठ ने गमछा और तोते की झुंड पर फेंक दिया और एक तोता पकड़ लिया। इस तोते को सेठ ने घर पहुंचकर तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। उसने तोते के लिए बैठक और एक झूला भी रखवाया। पानी पीने के लिए एक कटोरी और खाने के लिए एक छोटी सी तश्तरी भी रखवाई। तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा। उसे अमरूद, मिर्च आदि मनपसंद वस्तुएं खाने को दी जाने लगी। घर के बच्चे तथा सेठ तोते से बातें भी करते थे। तोता भी थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गया था। तोते के साथ बातें करने में सबको बड़ा ही मजा आता था। दूसरी बार जब सेठ उगाही करने निकला तो उसने तोते से कहा, तोते राम, मैं उगाही करने जा रहा हूँ, लौटते समय तेरे माता पिता और सगे संबंधियों से मिलूंगा, तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना हो तो बता दे। तोते ने कहा, सेठ जी, उन सबको कहना तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है, तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद से रह रहा है। सेठ उगाही करके लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। तभी तोतों का एक समूह उस पर टूट पड़ा। वे उसे चोंच से मारने लगे। उनमें से एक तोते ने सेठ से पूछा, सेठ जी, हमारा तोता क्या कर रहा है? सेठ ने उसे शांत स्वर में कहा, तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है, तोता सोने के पिंजरे में आनंद से रह रहा है। बस उनका सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मूर्तों की तरह लुढ़क गए। सेठ उनके पास आया, उसने तोतों को हिला डुला कर देखा, पर ऐसा लगा जैसे सारे तोते मर गए हों। सेठ जी घर आ गए। सेठ को देखते ही तोते ने अपने माता पिता सगे संबंधियों के बारे में पूछा। सेठ ने कहा, तेरे माता पिता और सगे संबंधी को जब मैंने तेरा संदेश सुनाया तो सभी लुढ़क गए, क्या उन्हें आघात? सेठ की बात सुनकर वह स्वयं भी पिंजरे के झूले से नीचे गिर पड़ा। सेठ ने यह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को हिला डुला कर देखा। सेठ जी को लगा यह तोता भी आघात से मर गया। सेठ जी ने तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर थोड़ी दूर पर रख दिया। मौका देखकर तोता पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। जाते जाते उसने कहा, सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ, मुझे अपने माता पिता का संदेश मिल गया था, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपका पिंजरा सोने का था, लेकिन वह पिंजरा मेरे लिए जेल की तरह था। तोता उड़ता हुआ जंगल में अपने माता पिता और सगे संबंधी के पास पहुँच गया। उसे लौट कर आया हुआ देख कर सब खुशी से रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे हिंदी वार्ता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी ही सब्सक्राइब कीजिए हिंदी वार्ता का यूट्यूब चैनल।